गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एक नया टॉपिक जेनेटिक्स का, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, अब आप इस नेम को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, अब आप इस नेम को एनालाइज करो। पॉली मतलब बहुत सारे, जेनिक मतलब जीन। व्हेन मोर देन वन पेयर ऑफ जीन कंट्रोल वन सिंगल फीनोटाइप इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये आपको ज्यादा समझ में आएगा जब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। चलिए, एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको पक्का समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन स्किन कलर। अब ह्यूमन बीइंग में स्किन कलर कैसे आता है सब जानते हो, किस वजह से? मेलानिन। मेलानिन क्या है? प्रोटीन। कौन सिंथेसाइज करता है? जीन्स। लेकिन मेलानिन सिंथेसिस के लिए देयर इज नॉट सिंगल जीन पेयर, वहां पे मोर देन वन जीन पेयर्स आर देयर। कौन कौन से हैं? अब आप देखिए, दिस इज वन जीन पेयर, सेकंड जीन पेयर एंड थर्ड जीन पेयर। अगर हमारा जीनोटाइप ये है, सारे एलील क्या है? डोमिनेंट। तो स्किन का कलर क्या है? डार्क नीग्रो टाइप फिनोटाइप। इफ दिस इज द जीनोटाइप, अगर ये जीनोटाइप है तो स्किन का कलर क्या हो गया? बिल्कुल लाइट, लाइक अमेरिकन्स, बिल्कुल लाइट हो गया। सपोज दीज टू वी हैव कंसीडर्ड एज पेरेंट, दोनों को हमने एज अ पेरेंट कंसीडर किया। अब क्रॉस ब्रीडिंग, तो आपको क्या मिल गए? इंटरमीडिएट्स। दिस इज द जीनोटाइप आई एम राइटिंग, ये F1 है। F1 का ये क्या है आपके? F1। F1 का जीनोटाइप क्या है? हेटरोजाइगस, हेटरोजाइगस जीनोटाइप। बट द फीनोटाइप इज, ये क्या है इसका? जीनोटाइप। लेकिन इनका जो फीनोटाइप है, फीनोटाइप किसका? F1 का, इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। इट डजंट सिमिलर, इट इज नॉट सिमिलर टू ईदर ऑफ द पेरेंट, किसी भी पेरेंट के जैसा नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर इंटरमीडिएट कैरेक्टर क्यों आया? क्योंकि इसके पास में सिर्फ 1, 2, 3 डोमिनेटिंग जीन है। तो जितने ज्यादा डोमिनेटिंग एलील होंगे उतना ज्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और स्किन का कलर उतना डार्क आएगा। जितने रिसेसिव एलील होंगे स्किन का कलर लाइट हो जाएगा, क्योंकि रिसेसिव एलील जीन जो है रिसेसिव, दे कैन नॉट सिंथेसाइज व्हाट? मेलानिन। ठीक है, अब अगर हम इन F1 की क्या करा दें? सेल्फ ब्रीडिंग, तो हमें कितने टाइप के गैमेट्स मिलेंगे? टाइप्स ऑफ गैमेट, हाउ विल वी वर्क आउट द टाइप्स ऑफ गैमेट्स? हाउ मेनी गैमेट्स विल गेट? गैमेट्स कैसे हम वर्कआउट करते हैं? दिस इज ये आपने 1, देन इसकी 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ले लिया। थर्ड एलील इज दिस, कैपिटल सी स्मॉल सी। देखो, 1 गैमेट विल बी कैपिटल ए बी सी, सेकेंड गैमेट विल बी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी,
third will be capital A, small b, capital C, and third is A, B, and C. Now we have to take the contrasting form of this. Capital A and contrasting form is small a. Then again we have to take other one. फिर आप इसका भी लीजिए कैपिटल सी स्मॉल सी, इसको भी हमें लेना है कैपिटल सी एंड स्मॉल सी. अब यहाँ पे जो गैमेट बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, अब यहाँ पे दोनों स्मॉल कैपिटल सी, अब ये आपका आ गया स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी. कितने आपको गैमेट मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. आपको 8 टाइप के गैमेट्स मिलेंगे दोनों में, क्योंकि दोनों का जीनोटाइप और फीनोटाइप क्या है, सेम है. अब अगर हम इनका क्रॉस कराएंगे तो जब आप यूनिट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो उसमें कितने कॉलम होंगे, कितने बॉक्सेस होने चाहिए, 64. तो आउट ऑफ 64 जब हम वर्कआउट करेंगे तो उसका मैं आपके लिए डायरेक्ट रिजल्ट लिखती हूँ, द फीनोटाइपिक रेशियो. ये क्या है, हमारे टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस्ड. अब इफ वी वर्कआउट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ वी वर्कआउट द टाइप्स ऑफ गैमेट, ठीक है. और इस मेथड को हम कहते हैं फोर्क लाइंड मेथड टू वर्क आउट हाउ द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है. अब हमारी जो फोर टाइप्स, ये एट टाइप के गैमेट्स दोनों में प्रोड्यूस हुए, और जब इसमें क्या हुआ, सेल्फ ब्रीडिंग, तो हमें कितने टाइप के फीनोटाइप मिले, कितने हमें स्किन के कलर मिले. तो जो वन एक हमको मिला जिसका कलर क्या था, वेरी डार्क, वी डी आई एम राइटिंग वेरी डार्क. देन सिक्स, दिस इज इन फैक्ट वेरी डार्क एंड दिस इज व्हाट, वेरी लाइट, ठीक है. अब हमने क्या कर लिया, इसका एक रेशो कर लिया, ठीक है. अच्छा, अब सिक्स मिले आपको डार्क, डी स्टैंड्स फॉर डार्क. Then after, if you see 15, आप वर्कआउट करके देखना, 15 आपको क्या मिलेंगे, फेयरली डार्क, फाइन. देन 20 इंडिविजुअल आपको क्या मिलेंगे, विद इंटरमीडिएट कलर, जिनका कलर इंटरमीडिएट है. सो दिस इज विद द इंटरमीडिएट कलर. देन अगेन 15 यू विल गेट वॉट, it was fairly dark, now they will be fairly light, this is fairly light. Then you get what, 6 you will get, it was dark, so here it is what, light. And 1 you will get what, very light. So out of 64 you can count them together, there are what, 64. So out of 64 only one will be very light and only one will be what, very dark. And if you draw a kind of a graphical representation for it, you will get a curve which is just like an inverted bell-shaped structure. Here is what genotype you will have, A, B, B, C, C, and the genotype over here will be this. And rest, this would be what, maximum. Here we write what, the genotype. Here this side we write genotype. And here number of individual. Here you have number of individual that you obtain, and here this is what, genotype. And what kind of curve do you get, a bell shape, fine.
So what we have observed in this, why I have given you this example, ये मैंने तुम्हें क्यों पढ़ाया? Polygenic inheritance में ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया कि अब आप देखो कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या है, सपोज मैं दो एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको. सपोज दिस इज नंबर वन, नंबर टू, और एक इंडिविजुअल उसका जीनोटाइप है ए ए बी बी सी एंड सी, और दूसरे का जीनोटाइप है दिस. हु विल हैव डार्क कलर? किसका कलर डार्क होगा? दिस. क्यों? क्योंकि इसके पास वन टू थ्री फोर, इसके पास फोर क्या है? डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है. फोर डोमिनेंट एलील है इसके पास, और इसके पास सिर्फ एक डोमिनेंट एलील है. तो इसका कलर क्या होगा? आपका लाइट होगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक डोमिनेंट एलील है. ठीक है, तो हमने दो चीज सीखी. क्या? कि एक तो स्किन का कलर एक फिनोटाइप है, और इसको एक से ज्यादा जीन पेयर कंट्रोल करते हैं, और स्किन कलर में थ्री जीन पेयर है. दैट इज व्हाई वी कॉल इट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. अब मैं आपको क्यों बता रही हूं कि ये फोर है तो कलर ज्यादा है, वन है तो कलर कम है, क्यों है? क्योंकि ये कैरेक्टर हमें किस में मिलता है? ग्रेड्स में. कोई बहुत डार्क है, कोई कम डार्क है, कोई थोड़ा डार्क है, तो ये कैरेक्टर हमें ग्रेड्स में मिलता है. और ये ग्रेड किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ डोमिनेटिंग जीन. ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है. इसलिए इस इनहेरिटेंस को हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं. क्यों कहते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस? क्योंकि ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ, क्वांटिटी ऑफ डोमिनेटिंग जीन, डोमिनेटिंग एलील कितने ज्यादा हैं उतना ज्यादा कलर आएगा. आपने समझा? देखो एक और एग्जांपल बताती हूँ आपको. जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या है? मेंडल के अकॉर्डिंग कौन हुए? या तो भाई जीनियस हो जाए या फिर इडियट हो जाए. बट कितने लोग ऐसे हैं? मैंने आपको ये पूरा कंटेंट पढ़ा दिया. बहुत से लोग होंगे जिनको 20% समझ में आया होगा, किसी को 80, 100 भी आया होगा किसी को 60, किसी को 50. तो सबको अलग अलग क्यों समझ में आया कंटेंट? कि थोड़ा 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 क्यों? उसका क्या रीजन है? क्योंकि सबका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो अलग अलग होता है, और इंटेलिजेंस भी कौन सा कैरेक्टर है? ग्रेडेड कैरेक्टर है. ऐसे ही हम ह्यूमन हाइट को भी ले सकते हैं. ह्यूमन हाइट में हमने कहा टॉल. मेंडल के अकॉर्डिंग तो भाई दो ही लोग होने चाहिए, टॉल या ड्रॉफ. हम अगर टॉल कहेंगे ह्यूमन बींग में, टॉल मीन्स 6 feet, 6 feet प्लस, ड्रॉफ मीन्स 2 feet. अब कितने लोग टॉल हैं, कितने लोग ड्रॉफ हैं? रेयरली. तो ह्यूमन हाइट भी कैसे मिलती है? आप देखो किसी की हाइट क्या होती है? 4.5, किसी की 5, किसी की 5.5. सबकी हाइट आपको कैसे मिलती है? ग्रेडेड कैरेक्टर में. तो जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है वो हमेशा कैसे शो होता है? ग्रेड्स में. ठीक है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है? कि नंबर ऑफ जीन पेयर कंट्रोल सिंगल फिनोटाइप, क्वांटिटी ऑफ डोमिनेटिंग एलील डिसाइड द फिनोटाइप. ठीक है, और इसका एग्जांपल ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन इंटेलिजेंस, फाइन, ह्यूमन हाइट, एंड इन प्लांट ऑल्सो. वीट प्लांट में जो सीड है, सीड के तुम जो ग्रेन्स हैं उसका कैरेनल कलर अगर आप चेक करें तो सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है.
तो दैट इज कैरनल कलर इन वीट. ये किसके एग्जाम्पल है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. समझ में आया? अच्छा टॉपिक था ना? आप इसको पढ़ना, रिवाइज करना और मेरे वीडियो को पूरा देख के सब्सक्राइब करना. थैंक यू.